Hi guys, I'm Nishant, I'm an incoming HD at Microsoft. आज की वीडियो में हमारे साथ जो बंदा है ना यार, उसने कमाल कर रखा है। उसने फर्स्ट ईयर में यार चार ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स निकाल ली थी। उनमें से जो एक इंटर्नशिप थी यार तुम्हारे गुड़गांव पुलिस के साथ थी, साइबर सिक्योरिटी इंटर्न, और जो सेकंड इंटर्नशिप थी यार वो क्योरफिट के साथ थी। अब भाई फर्स्ट ईयर में एक बहुत वेल नोन स्टार्टअप में इंटर्नशिप करना, जो उसका एक्सपीरियंस था उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड यार ये कैसे अपॉर्चुनिटी कैसे मिली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में अपॉर्चुनिटी मिलना इज़ वेरी टफ, एंड वो भी इतने अच्छे स्टार्टअप में। तो उसके बारे में बात की यार इस वीडियो में, कि कैसे उसको अपॉर्चुनिटी वगैरह मिली, कैसे उसने अप्रोच किया। एंड एक और चीज़, उसने माइक्रोसॉफ्ट एंगेज मेंटोरशिप प्रोग्राम में पार्ट लिया था एंड उसका फर्स्ट राउंड क्वालिफाई हो गया था। तो उसके बारे में बात करेंगे यार, फर्स्ट राउंड में आता वगैरह क्या है, क्यों, अगर नेक्स्ट ईयर कोई बंदा देना चाहता हो जो अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जो देगा तो वो ये देख सकता है। तो यार वीडियो स्टार्ट करता है। तो यार यजस, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना। हेलो एवरीवन, आई एम यजस सरदाना, आई एम अ सेकंड ईयर आईटी स्टूडेंट एट एनएसआईटी इन दिल्ली। आई एम इनटू फुल स्टैक डेवलपमेंट, आई हैव स्टार्टेड विद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग and I was a software developer intern at Curefit in the summer of 2020. And okay. Like I went to the same school as Nishant. Yeah, मतलब मेरा junior है ये, and college में भी junior है, school में भी junior था। एंड यार इसने फर्स्ट ईयर में क्योरफिट में इंटर्नशिप क्रैक कर ली थी, उसके बारे में जानेंगे लाइक कैसे किया, लाइक वी आर फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप, वो भी एक बहुत बढ़िया स्टार्टअप में, तो मतलब अलग ही लेवल सीन्स है। तो यार पहले यही बता कि लाइक प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे स्टार्ट करी, कब स्टार्ट करी प्रोग्रामिंग, कॉलेज में या फिर स्कूल में भी कर दी थी थोड़ी बहुत। सो 11-12 में सब्जेक्ट था C++, बट वही जेई के टाइम पे सीपी करने का टाइम तो होता नहीं है, बट मुझे इंटरेस्ट हमेशा से था तो मार्क्स अच्छे आते थे सीएस में, बट ज्यादा पढ़ाई नहीं करी। देन एक बार जब जेई मेंस हो गया तो मतलब मुझे क्लियर था मेंस रिजल्ट के बाद कि एडवांस वगैरह का तो सीन नहीं है, तो मैंने मेंस के बाद कॉलेज ज्वाइन करने से पहले उन 2 महीनों में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स कर लिया था। ओके, सो लाइक डेटा मैंने C++ पहले कर रखी थी एंड उस टाइम पे मैंने जावा में जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्राफ, ट्रीज वगैरह, ये सब एक बार कर लिए थे। सो आई वाज फैमिलियर विद देम, बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर कॉलेज आने के बाद तो लाइक सारा सोसाइटीज वगैरह कल्चरल, तो नेक्स्ट ईयर के लाइक जनवरी तक मैंने कुछ भी टेक रिलेटेड नहीं किया। मैंने बस जो एक्सप्लोर करो बोलते हैं तो सारे डिबेटिंग वगैरह की, लाइक आई वेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर अ डिबेट, एंड उसको छोड़ के बस सोसाइटीज में इन्वॉल्व रहा, दोस्त बनाए, पार्टी करी, बस यही किया पूरा उसमें। बट लाइक एज सून एज द लॉकडाउन हैपेंड तब मुझे स्ट्राइक किया कि लाइक आई नीड टू गेट बैक टू माई इंटरेस्ट इन टेक। तो लॉकडाउन के स्टार्टिंग में ही मैंने अपना आई स्टार्टेड डूइंग वेब डेवलपमेंट। सर, देयर इज अ मैसेज फ्रॉम कोडिंग निंजाज। अगर तुम कोडिंग निंजाज को नहीं जानते तो कोडिंग निंजाज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो अब यार इन्होंने 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, वो 5,000 से ज़्यादा कॉलेजेस में थे, मतलब कितना ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम है तुम समझ सकते हो। अब ये क्या कर रहे हैं यार, ये अपना एक स्कॉलरशिप टेस्ट होल्ड कर रहे हैं, दैट इज तुम्हारे 19th को 9 PM, दैट इज टुमारो, कल ही होने वाला है। तो अब स्कॉलरशिप टेस्ट में तुम्हारे 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, तुम्हें 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यार जो डिटेल्स वगैरह तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, कितने लोगों को कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, एंड मिनिमम तुम्हें 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा इफ़ यू एनरोल फॉर दिस। एंड यार कोडिंग निंजास काफ़ी सारे कोर्सेज करवाता है तुम्हारे एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, तुम्हारे DS algo, तुम्हारे जावा में, पाइथन में, C++ में, तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं। और यार डाउट्स वगैरह बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं, तुम्हारे 1-2 घंटे के अंदर डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड जो तुम्हारे मेंटर्स हैं, जो तुम्हारे टीचर्स हैं यार, वो मतलब बिल्कुल टॉप नॉच हैं, ठीक है, वो तुम्हारे स्टैनफर्ड IIT के पास आउट्स हैं, ठीक है, वो अमेज़न और फेसबुक में काम कर चुके हैं, तो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट, लिंक तुम्हें इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 99 rupees की छोटी सी फीस अगर तुम ये दे देते हो तो तुम्हें हो सकता है कि 100% स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि बस ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो डेफिनेटली चेक दैट आउट, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग में मैंने अपना आई स्टार्टेड डूइंग वेब डेवलपमेंट, तो मैंने सारे वो जो यूडेमी से कोर्सेज होते हैं, मैंने भी 2 courses लिए थे यूडेमी पे, एंड वहाँ पे आई डिड बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, मर्न स्टैक सीख लिया था, एंड देन इंस्टेड ऑफ लर्निंग और ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज आई स्टार्टेड डूइंग इंटर्नशिप्स। ओके, सो इन द नेक्स्ट 3 months मैंने इंटर्नशाला से एंड लिंक्डइन से 3 internships करी थी। सो आई गॉट 2 internships एट इंटर्नशाला एंड 1 फ्रॉम लिंक्डइन, एंड ओवर द नेक्स्ट 3 months मैंने अलग अलग पीरियड्स में उन 3 internships को किया, एंड मेरा जितना स्किल सेट अभी है वो सारा मैंने उन इंटर्नशिप्स को करके ही सीखा। सो मुझे आते सिर्फ रिएक्ट थी, बट एक इंटर्नशिप में मुझे एंगुलर पे काम करना था, एक जगह मुझे पाइथन में बैकएंड पे काम करना था। ओके, सो हर जगह अब जस्ट बिकॉज इंटर्नशिप रिक्वायर्ड इट, तो मैंने साथ साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीख लिया। सो दैट इज वेयर माय मेजर स्किल सेट कम्स फ्रॉम, एंड दैट इज हाउ आई लर्न प्रोग्रामिंग। ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब और इंटर्नशिप्स वगैरह लाइक कुछ वेल नोन कंपनीज में थी या मतलब कितना स्टार्टअप, कौन से स्टार्टअप्स में किया था उसके बारे में बताएगा थोड़ा? सो इंटर्नशाला पे एज सच वेल नोन स्टार्टअप्स नहीं होते,
मेजरली, बट उसका एडवांटेज है क्योंकि स्टार्टअप्स वेल नोन नहीं है तो सारा काम इंटर्न से कराते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का ज्यादा होता नहीं है लाइक पैसा हायर करने के लिए. सो उससे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप सीधा प्रोडक्शन पे काम करते हो, यूज कैसे स्केल करेगी आपके ऐप, यूजर्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे, सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो उस चक्कर में आई डिड एन इंटर्नशिप एट अ स्टार्टअप कॉल्ड स्टडी मॉन्क. ओके. सो एंड बस एक दो तीन लर्निंग्स थी, एक तो ये कि कोर्सेज से ज्यादा मैंने इंटर्नशिप से सीखा. दूसरा लाइक अगर थोड़ा सा भी पे करे, एज लॉन्ग एज इट इज अ पेड इंटर्नशिप, लाइक सीखना मैटर करता है. कूल. तो आई गॉट अ फेयर अमाउंट ऑफ पे एंड मैंने काफी सीखा इन इंटर्नशिप्स में. एंड एक मुझे लिंक्डइन पे लाइक एक अपॉर्चुनिटी मिली थी टू वर्क एज अ साइबर सिक्योरिटी इंटर्न विद गुड़गांव पुलिस. सो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था एंड अराउंड 2 वीक्स में आई गॉट द सिलेक्शन फॉर. सो ये मेरी 3 इंटर्न्स. ग्रेट यार. मतलब अनपेड इंटर्नशिप्स नहीं करी, पेड करी बट वो कम पे करते थे, मतलब अनपेड तो नहीं करी. ठीक है. अनपेड यार, अनपेड में मोटिवेशन खत्म थोड़ी सी हो जाती है, पहले लगता है कि मजा आएगा बट राइट. ये तो है. तो यार क्योरफिट में कैसे हुआ, लाइक क्योरफिट का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब इंटरव्यूज कैसे शेड्यूल करवाए तूने एंड उनको अप्रोच कैसे किया, बिकॉज फर्स्ट ईयर को कोई मेरे हिसाब से सीरियसली नहीं लेगा. अगर कोई फर्स्ट ईयर जाएगा यार कि उसने एक सेमेस्टर कंप्लीट किया कॉलेज में, बोले यार मेरे को इंटर्नशिप दे दो, तो नहीं लेते सीरियसली, तो वो कैसे किया. फिर मैं तो ये बाकी अपनी इंटर्नशिप्स जो मेरी खत्म हो रही थी तो इतने टाइम से मैं टेक कर रहा था तो थोड़ा लाइक आई स्टार्टेड टू वर्कआउट एंड लॉकडाउन था तो मैं घर पे क्योरफिट ऐप पे वर्कआउट कर रहा था एंड ऐप यूज करते हुए आई फाउंड इररेगुलरिटी इन दर यूआई. तो ऐसे छोटा सा बग था लाइक इट वॉज वेरी ऑब्वियस. तो मैंने कुछ नहीं किया, आई सिंपली रोट एन ईमेल टू द एचआर, टू द कस्टमर केयर ईमेल आईडी जो वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस में होती है ना. तो उसमें बस स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजती कि ये बग है रिएक्ट में, मेरे को लग रहा है. मुझे इनका टेक्स्ट स्टैक पता था ऑनलाइन चेक करके कि रिएक्ट में ऐसे ठीक होता है. मैंने बस ऐसी ईमेल लिख दी, कोई इंटेंट नहीं था मेरा, मुझे आईडिया नहीं था क्या होगा, बस ऐसी ईमेल लिख दी एंड फिर उनका रिप्लाई आया एंड ऐसे 10-12 दिन कॉन्वर्सेशन चली एंड लास्ट में उन्होंने उस बग को फिक्स करके अपडेट भी रिलीज किया. ओके. सो उसके एक दो दिन बाद लाइक 14 डेज आफ्टर माई फर्स्ट ईमेल आई गॉट अ थैंक यू कॉल फ्रॉम देम. उनसे बात करते हुए उस कॉल पे आई जस्ट लाइक आस्क देम अबाउट एनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. सो उन्होंने लाइक मुझे आइडिया नहीं था कैसे बड़े स्टार्टअप्स में काम होता है, कैसे इंटरव्यूज होते हैं. सो उन्होंने बोला कि इट डज नॉट रियली वर्क दिस वे, आप हमें दे गेव मी द जो ऑफिशियल करियर्स वाली ईमेल आईडी होती है ना वो ईमेल आईडी दे दी, आप इस पे अपना सीवी भेज दो एंड साथ में अपना कॉन्टेक्स्ट भेज दो कि आप कौन हो एंड देन वी विल सी. ओके. सो फिर मैंने जैसे बहुत यूट्यूबर्स वगैरह का थोड़ा बहुत देख रखा था ऑनलाइन की रेफरल भी कुछ होता है. तो मैं नया नया था लिंक्डइन पे तो मैंने किसी से लिंक्डइन पे एक एनएसआईटी के सीनियर से रेफरल लिया, ही वाज लाइक स्वीट इनफ टू गिव मी अ रेफरल एंड मैंने बस वो ईमेल भेज दी करियर्स पेज पे कि मैं ये हूँ, मुझे ऐसे इंटर्नशिप चाहिए. एंड देन 2 वीक्स आफ्टर दैट ईमेल सॉरी आई गॉट अ रिप्लाई दैट आई विल बी गेटिंग अ चांस टू इंटरव्यू विद देम. ओके. सो इंटरव्यू प्रोसीजर में पहले तो एक फोन स्क्रीनिंग राउंड था, चेक कि मुझ में स्किल्स है भी नहीं लाइक कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसीजर के लिए या नहीं. उस टाइम पे मेरे सीवी पे प्रोजेक्ट्स थे ठीक ठाक एंड मेनली वही थे जो मैंने 3 इंटर्नशिप्स करी थी तो वर्क एक्सपीरियंस अच्छा खासा था एज अ फर्स्ट ईयर. तो उसमें फिर उन्होंने लाइक फोन स्क्रीनिंग वगैरह में दे आस्क्ड मी अबाउट माई प्रोजेक्ट्स एंड वही वर्क एक्सपीरियंस वगैरह एंड आफ्टर द फोन स्क्रीन 2 वीक्स आफ्टर द फोन स्क्रीन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द एचआर दैट आई गेट द नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसीजर. ओके. So, interview procedure has वही दो तीन interview rounds हुए थे मेरे phone screen के बाद. हाँ. तो दो were एकदम technical, उसमें मेरा development skills and अपना data structures algorithms जो होता है. Right. अब मैंने तो कुछ उस time पे इतना कुछ secret वगैरह नहीं किया हुआ था obviously, but जो मेरा college से पहले का था वो काम आया उस time पे and questions because I was first year still medium level थे, अभी भी लीड कर रहा हूँ तो they were medium level. एंड अदर देन दैट वही प्रोजेक्ट्स पे था एंड वर्क एक्सपीरियंस पे था एंड लास्ट में फिर वही जो कल्चर एचआर राउंड होता है दैट वाज आल्सो अबाउट माय प्रोजेक्ट्स एंड ये चला टोटल प्रोसीजर अराउंड 2.5-3 वीक्स एंड देन लास्ट में आई गॉट अ सिलेक्शन ईमेल फ्रॉम देम. ग्रेट यार. सो आई हैव वर्क्ड एट क्योरफिट 3 मंथ्स के लिए उसके. अमेजिंग भाई, अमेजिंग. तो यार ये देखो कि ऐसा भी एक मौका होता है कि कुछ समय बग बग मिले तो मेल कर दो, कभी भी कुछ भी हो सकता है. जैसे इसको देखो, कब सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, रैंडमली बात कर लोगे, करियर्स पे भेज दोगे. तो ये सब चीजें ट्राई करते रहो, क्या पता तुम्हें भी किसी अच्छे स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटी मिल जाए. राइट. और यार अब ये बता कि जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था, जो 3 महीने काम किया, कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था एंड वो एक्सपीरियंस कैसा था. सो लाइक मैं ज्यादा डिटेल्स में प्रोजेक्ट की तो नहीं आ सकता बट इट वाज मोस्टली कि क्योरफिट का, इट्स नोन दैट क्योरफिट का वर्क कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है.
सो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा अच्छा था एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट बहुत पीपल बहुत लाइक वहाँ पे बहुत फ्रेंडली है स्वीट है एंड व्हेन आई वाज वर्किंग एज एन इंटर्न मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं इंटर्न हूँ आई वाज ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉय उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड लाइक हर मीटिंग में था एंड लाइक वैसा ही सब लोग बिहेव कर रहे थे एंड अदर देन दैट द प्रोजेक्ट दैट आई गॉट काफी यूनिक था मुझे मेंटर्स सारे बहुत अप्रोचेबल थे मुझे काफी ज्यादा सीखने को मिला मुझे थोड़ा बहुत लाइक प्रोडक्शन वर्क करने को भी मिल गया था बीच में एंड बाकी जस्ट लर्न आई केप्ट लर्निंग फ्रॉम देम एंड ओवरऑल मुझे बेस्ट चीज ये हुई दैट 4 ईयर्स के बाद हम इंजीनियरिंग के बाद मोस्टली प्लेसमेंट का ही सोचते हैं तो वो जो एक एक्सपीरियंस होता है कि हाउ वुड इट बी टू वर्क एट अ कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर उसमें एक इनसाइट मिल गई फर्स्ट ईयर में दैट दिस विल दिस इज हाउ लाइफ विल बी राइट हाँ यार इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब काफी सब सीखा ग्रेट ग्रेट फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करना फर्स्ट ईयर में अच्छे स्टार्टअप में इंटर्नशिप करना इज लाइक रियली डिफिकल्ट मतलब वो अपॉर्चुनिटी मिलना एंड उसका तूने काफी सही यूटिलाइज किया। तो यार अब एक और चीज़ है यजस ने अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट एंगेज वाला तुम लोगों ने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कर रहा था तो उसका ऑनलाइन टेस्ट दिया था ही गॉट थ्रू दैट टेस्ट एंड अब इसका जो वो मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह है वो स्टार्ट हो चुका है तो यार उसके बारे में बता कि टेस्ट वगैरह में क्या चीज़ें पूछी गई थी एंड अभी तुम्हें आगे करना क्या है तो क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है एंगेज का कि क्या सीन होता है। सो फर्स्टली जो टेस्ट था लास्ट ईयर के रिव्यूज के हिसाब से ही था इट हैड 15 क्वेश्चंस लेवल उनका इजी टू मीडियम था टेस्ट इतना मुश्किल नहीं था बट द फैक्ट कि उन 15 में से 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे ओके सो एंड आउट ऑफ देम 2-3 वर इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड तो बेसिकली डीएसए जैसा ही था एंड 45 मिनट्स में सब कुछ करना था एमसीक्यूज भी एंड वो 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ओके एंड सब कुछ टाइप आउट करना था सो इट वॉज जस्ट अबाउट आप उन 45 मिनट्स में आप कितना मैक्सिमम आंसर्स लिख पाते हो एंड उसके बाद आई गेस 9 जून को सिलेक्शन ईमेल्स आई थी एंड अभी वी जस्ट नो दैट हमें एक माइक्रोसॉफ्ट क्लोन पे काम करना है वी हैव टू मेक अ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का क्लोन एंड वील गेट मेंटरशिप रिगार्डिंग द सेम एंड बाकी डिटेल्स दे आर सेइंग दैट आज या कल के अराउंड विल सेंड इट टू अस ओके एंड सुना तो है दैट लास्ट में चांस होता है इंटर्नशिप का पता चलेगा फिर होता है इंटर्नशिप का तो चांस पक्का होता है आइदर यू विल बी गेटिंग डायरेक्ट इंटर्नशिप अगर तुमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह कर लिया मेंटर रिव्यूज अच्छे हुए जितना मैंने देखा था लास्ट ईयर या फिर तुम्हें डायरेक्टली एक राउंड देना होगा लाइक तुम्हारा 2 राउंड स्किप हो जाएंगे यू विल नॉट हैव टू गिव द टेस्ट यू विल नॉट हैव टू गिव द फ्लाई राउंड डायरेक्टली तुम्हारा एक इंटरव्यू राउंड होगा एंड उसके बाद तुम्हें मतलब दे देते हैं इंटर्नशिप मतलब लास्ट ईयर ये हुआ था इस साल पता नहीं क्या पता चेंज करते बट लास्ट ईयर यही था कि 2 प्रोसीजर्स थे या तो डायरेक्टली इंटर्नशिप ऑफर कर दी कि तुम एक्सेप्शनली तुमने परफॉर्म कर दिया वहां पे टॉप 2-3 में आ गए अगर जो तुम्हारा रिव्यूज वगैरह था उसमें या फिर तुम्हें डायरेक्टली एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि तुम टेस्ट वगैरह मत दो सबके साथ एक इंटरव्यू दे दो एंड उसके बाद सही है यार काफी सही यार काफी सही काफी सही एक्सपीरियंसेस थे 4 इंटर्नशिप्स इन फर्स्ट ईयर उनमें से एक तो क्योरफिट में एक तुम्हारी गुड़गांव पुलिस के साथ तो काफी सही थी यार सो थैंक यू सो मच फॉर दैट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम काफी मजा यार बात करके अपनी इंटर्नशिप के लिए ऑल द बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए ऑल द बेस्ट मिलते हैं फिर किसी और दिन ठीक है ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना था अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को और यार डे 18 हो गया है अपना काफी मजा आ रहा है 12 दिन और करेंगे भाई ये 30 डेज चैलेंज कंप्लीट जाके अपनी प्रोग्रेस तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए।